दोस्तों शायद आपको पता होगा कि अभी SBI ATM से पैसा निकालने के लिए देखिए जो SBI ATM कार्ड है जरूरत नहीं है, आप बिना ATM कार्ड के पैसा निकाल सकते हो। और उससे पहले देखिए आप चेक कर लीजिए आपके जो आसपास का जो ATM है ATM मशीन अपग्रेड हुआ है नहीं, ठीक है, यानी कि उसमें देखिए जो SBI योनो ऐप का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो ATM से, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में देखिए कैसे ATM से पैसा निकालना है विदाउट ATM कार्ड। तो दोस्तों देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो दोस्तों देखिए यानो कैश ऑप्शन आपको दिखाई देगा SBI ATM में नीचे की तरफ, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपको अमाउंट देना है यहाँ पर, उसके बाद आपको यस करना है और यस करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर देना है। ट्रांजैक्शन नंबर आपको कैसे मिलेगा मैं बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन नंबर डाल दिया हूँ, डालने के बाद आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपको यूनो पिन डालना है 6 डिजिट का। देखिए मैं यहाँ पर यूनो पिन क्रिएट कर लिया था, ठीक है, पहले उसके बाद आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करते ही देखिए जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको विदाउट डेबिट कार्ड आपको कैश मिल जाएगा। देखिए अभी निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए बिना ATM कार्ड के पैसा निकल सकते हो SBI ATM से। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको यूनो एप्लीकेशन को ओपन करना है और अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं यहाँ पर देखिए एम पिन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एम पिन डालने के बाद जो यूनो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद देखिए आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ देखिए एक यूनो कैश का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसको सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ATM जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ATM को सिलेक्ट करना है, यूनो कैश के नीचे ATM, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको अमाउंट देना है, देखिए जो अमाउंट मैं ATM मशीन में डाला था 2000, ठीक है। तो ये सब काम देखिए आपको पहले कर लेना है, उसके बाद आपको ATM में जाना है। तो 2000 डालने के बाद आपको देखिए एरो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करना है और इसका जो टाइम है देखिए आधा घंटा टाइम रहेगा। उसके बाद आपको देखिए यूनो पिन क्रिएट कर लेना है यहाँ पर, तो एक ट्रांजैक्शन नंबर और एक यूनो पिन। तो यूनो पिन आप क्रिएट कर सकते हो और जो ट्रांजैक्शन नंबर है SMS द्वारा आपके फ़ोन में आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद एक बार रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको टर्म्स कंडीशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करते ही देखिए आपके फ़ोन में जो ट्रांजैक्शन नंबर है मिल जाएगा और ये ट्रांजैक्शन नंबर आपको ATM SBI ATM में सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन नंबर देना है, उसके बाद यूनो पिन अमाउंट सब डालना है। डालने के बाद आपको जो कैश है मिल जाएगा ATM से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।